मोमबत्ती दिए ले लो, मोमबत्ती ले लो दिए, मोमबत्ती दिए, मोमबत्ती ले लो दिए ले लो। ये कैसे दिए? ₹250। एक काम कर, 200 दिए दे दे। ठीक है मैम। और 3000 रुपये की मोमबत्ती की डाल दी, करवा भी डाल दी। ये लीजिए बाबू जी, आपके हो गए ₹650। ये क्या बाबू जी, ये तो ₹550 हैं। अरे सही पैसे दिए, रख ले बाबू जी, इतना कम में नहीं हो पाएगा, 20-30 रुपए तो बचता है हमको। तो काम कर, पकड़ अपना सामान। इसीलिए तुम जैसे लोगों से सामान नहीं लेते, तुमसे चलो गुप्ता की दुकान है, उनसे ले लेंगे हम। बाबू जी नाराज क्यों हो रहे हैं, 10-20 कम दे दो, हमारी भी दिवाली मन जाएगी। और गुप्ता जी क्या हाल है? भाई बढ़िया। अच्छा एक काम करिए, 200 दिए दे दो। अच्छा। और 8-10 पैकेट मोमबत्ती के डाल दो। ये लो जी आपके हो गए ₹1160। अरे गुप्ता जी सही पैसे लगा लो, इतना पुराना कस्टमर हूँ मैं आपका, इसीलिए तुम जैसे लोगों से सामान ले रहे थे, तुमसे चलो गुप्ता की दुकान है, उनसे ले लेंगे हम। ये रखो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। सारे दिए तो बिक गए, मैं घर जा रहा हूँ। पर मैं कैसे घर जाऊँ भाई? क्यों? मेरे घर में छोटे छोटे भाई बहन हैं, अगर मैं घर खाली हाथ गया तो मायूस हो जाएंगे, और मैंने सुबह से इतना भी नहीं कमाया है कि मैं उनके लिए पटाखे या मिठाई ले जा सकूँ। चल कोई बात नहीं यार, घूमने तो मैं आता हूँ। ठीक है। ये दिए कैसे दिए? अरे बाबू जी आप हम गरीब से दिए क्यों लीजिएगा, आप तो उन्हीं बड़ी ऊंची दुकान में दिए लेंगे ना। चलो छोड़ो, ये सारे दिए कितने के हैं? सारे दिए? हाँ भाई सारे दिए। ये कुछ 800-900 के होंगे। और पूरा टोकरा? पूरा टोकरा? हाँ भाई पूरा टोकरा। ये कुछ 1200 का होगा बाबू जी। ये 1500 रुपये। 1500 किसके बाबू जी? 1200 रुपये तेरी टोकरे के, 300 रुपये मेरी तरफ से तेरे भाई बहनों के लिए, इन पैसों से इनके लिए मिठाइयाँ ले लेना। और इस बार दिवाली तुम्हारे घर में मनेंगे, तुम्हारे घर की इस बार भीड़ चलेंगे। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बाबू जी। उस दिन मुझे डिस्काउंट तो नहीं मिला, तो घर लौटते वक्त मन में एक अजीब सा सुकून था, एक तसल्ली थी कि आज इस गरीब के घर में घर नहीं। अगर हम बड़े दुकानों के बजाय इन गरीबों से कुछ सामान खरीद लेंगे हमारे साथ साथ उनके बच्चे खुशियाँ मनाएंगे।